ये कहानी है एक होटल का भूतिया कमरा के बारे में। इस कहानी में राजू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूंकि काम रात को करना था तो राजू वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था, तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहां आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूं इसलिए बैठा हूं। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी, जाओ वहां। इतना बोल के उसका सीनियर वहां से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहां गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई तो करनी ही थी, इसलिए वो वहां की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। राजू ने सोचा, ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, ऐसा इसलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया, और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मनो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गाला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज सुन के वहां पहुंच गए। उन्होंने से राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? राजू गली में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया, उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था तभी एक सर आए, उन्होंने नहीं मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहां जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा, पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहां जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज राजू की दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहां सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसकी कमरे में सफाई से दौरान हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहां पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता, और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के राजू फिर दोबारा कभी भी